हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे महिंद्रा ALSV, हाउ इंडियाज ओन हमर इज अ गेम चेंजर फॉर आर्मी। अरे वाह, चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमर नहीं, हम वी बेसिकली है। हमर तो फिर सिविलियन बन जाती है, हम वी बोल रहे होंगे। अच्छा, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये है फ्रांस का शेरपा लाइट, ये है साउथ अफ्रीका का RG-32 स्काउट, ये है कोरिया का किया द्वारा बनाया गया LTV, और ये है अमेरिका की अमेरिकन कंपनी ओशकॉश द्वारा बनाया गया JLTV जिसने हम्वी को रिप्लेस किया है। ये जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये सभी की सभी लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती है। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इन सब में कॉमन बात ये है कि ये इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप करी गई है, इनकी फोर्सेज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी इंडिया में खुद की ग्राउंड अप डेवलप्ड कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी अभी तक, बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा अभी तक रक्षक नाम की यह गाड़ी यूज कर रहा था जो कि डोनर गाड़ी की शैसी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर सवेदी से ही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है, और इसका अंदाजा पहली बार तब लगा जब मार्च 22, 2021 में SP शुक्ला, जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस एरो और एग्री हेड है, वो ट्वीट करके रिवील करते हैं कि महिंद्रा डिफेंस को आर्मी की तरफ से 1056 करोड़ का आर्मर लाइट स्पेशलिटी व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि महिंद्रा को 1300 फुली ग्राउंड अप डेवलप्ड लाइट आर्मर व्हीकल्स इंडियन आर्मी को देने थे। और ये खबर सुनते ही पूरे के पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस छा गई जहां पर इस गाड़ी के बारे में बताया जाने लगा। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्यों ये इंडिया का तेजस मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा ने अपनी इस ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल को इंडिया में ग्राउंड अप डेवलप करा है इंडियन आर्मी की नीड्स को समझते हुए, जैसे कि तेजस को बनाया गया था। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया की जो सीमाएं हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स लैंड्स पर है, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसी गाड़ियों को दूसरे देशों से खरीदते हैं या फिर किसी डोनर गाड़ी की शैसी पर मॉडिफाई करके बनाते हैं, जैसे इंडिया की रक्षक गाड़ी बनाई जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर इंडिया के पास IP राइट्स होंगे ऐसी गाड़ी के जैसे महिंद्रा के पास हैं अब ALSV के, तो हम इन गाड़ियों को दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, खासकर डेवलपिंग देशों के अंदर, क्योंकि इंडिया जाना ही जाता है अपनी कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग के लिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये गाड़ी है क्या, ये किस काम के लिए बनाई गई है, ये बाहर मिलने वाली किन गाड़ियों से कम्पीट करती है, और सेना के लिए ये कितनी ज्यादा कारगर होने वाली है। फीचर्स भी बता दें, ऐसे हमें ये भी पता लगने वाला है कि इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसकी कहानी होती है आप लोगों के इस चैनल को ना सब्सक्राइब करने से। ये कौन 80% लोग हैं यार जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यार कर लो, फ्री ही है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आर्मर्ड व्हीकल के नंबर्स के मामले में इंडिया 7th रैंक पर आता है, और साउथ कोरिया, जापान और टर्की जैसे देशों से भी पीछे है। चलो बाकी देश तो फिर भी पीछे होना, ये वाली बात थोड़ी छुपती है। लेकिन ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी या तो साउथ अफ्रीका से डायरेक्टली इम्पोर्ट करती है ऐसी गाड़ियों को, या उनके साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है, जिसकी वजह से इंडिया की डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा खर्चा भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लिमिटेशन साउथ अफ्रीका में हुई। लेकिन वही अगर हम साउथ कोरिया आर्मी की बात करें जो हमसे आगे हैं इस मामले के अंदर, तो उनकी होम ग्रोन कंपनी किया द्वारा डेवलप्ड लाइट टेक्टिकल व्हीकल वो लोग यूज करते हैं, जो की महिंद्रा की ALSV वाली कैटेगरी में ही आता है। और क्योंकि एक उनके खुद के घर में डेवलप की जा रही है, इसकी वजह से उनके पास ये गाड़ी बहुत बड़े नंबर में है। कितने बड़े? 10,000 व्हीकल है उनके पास, ऐसे बहुत बड़ा नंबर है। अब इवन दो इंडियन आर्मी साउथ अफ्रीका से ऐसी गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लाइट टेक्टिकल व्हीकल कैटेगरी में इंडियन आर्मी के पास अभी तक भी कोई भी व्हीकल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझने के लिए हमें व्हीकल्स की क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी। सो आर्मी के पास आर्मर्ड व्हीकल की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिनका रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि BMP-1 और 2, या जिनको फेज आउट करने वाली है वो है टाटा कैस्ट्रल, ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और दूसरे हैं APCs यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और इनमें भी दो तरीके की कैटेगरी होती हैं।
एक होती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड यानी कि एमरैप्स, और दूसरे होते हैं लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और इन दोनों तो के टेक्निकल डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये जो एमरैप्स होते हैं ये ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये काफी कम एजाइल होते हैं अपने वजन की वजह से। लेकिन ये जो एलएमयूवीज होते हैं ये फास्ट और मैनूवरेबल होते हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी और ड्रॉप भी किया जा सकता है। और महिंद्रा का जो ALSV है वो इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स को एमरैप भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर भी माइंड प्रोटेक्शन मिलने लगा है, लेकिन इनका प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं होता जो कि असली एमरैप्स के अंदर होता है, और इसीलिए हम इन्हें उन गाड़ियों से अलग रखेंगे। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उनके पास एमरैप में अफ्रीकन ओरिजिन के कैस्पर MK2 या उसका लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य है जो कि लोकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। और रिसेंटली इसी कैटेगरी के अंदर कल्याणी M4 को भी ऐड किया गया है जो कि M4 पर बेस्ड है। और इसी कैटेगरी में महिंद्रा की ये और टाटा की ये वाली गाड़ी भी आती है। लेकिन लाइट यूटिलिटी व्हीकल के नाम पर इंडियन आर्मी के पास अभी तक कमांडर जीप की शैसी पर बेस्ड कॉम्पोजिट आर्मर्ड प्लेटेड महिंद्रा रक्षक ही थी, और ये गाड़ी कहीं से कहीं तक भी मिलिट्री के लिए कैपेबल नहीं थी। हाँ, ये 7.62 या AK-47 के राउंड्स के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आखिरकार ये है तो जीप ही, और इसीलिए माइंस के खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये रक्षक गाड़ी एक डोनर गाड़ी पर बेस्ड होती है जैसे कि स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है जो इनके इंजन और ट्रांसमिशन होते हैं ये उस गाड़ी का वेट झेलने के लिए बने होते हैं जो OEM द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1600 से 1800 किलोग्राम के आसपास। लेकिन क्योंकि इनके अंदर आर्मरिंग ऐड कर दी जाती है तो इनका वजन 2600 किलोग्राम तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां पहाड़ों पर बहुत ज्यादा स्लगिश फील होने लगती है। और बावजूद इस बात के कि इस गाड़ी को बनाना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी इस गाड़ी को बनाने के लिए भी इजरायली बेस्ड कंपनी प्लासम की मदद ली गई थी। लेकिन वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें महिंद्रा की लेटेस्ट ALSV से तो ये देखने को मिलता है कि ये मामले में मिलिट्री के लिए कैपेबल व्हीकल है, और इसीलिए इस गाड़ी को रक्षक से रिप्लेस किया जा रहा है। और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेगी। तो चलो बिना कोई देरी करे इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पर कूद पड़ते हैं। इस गाड़ी में स्टायर द्वारा बनाया गया 3.2 लीटर का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है जो कि डीजल वाला इंजन है। ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 3600 RPM पर, और एकदम बेहतरीन 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है वो भी सिर्फ 2000 RPM पर। ये गाड़ी 0-60 किलोमीटर की रफ्तार 12 सेकंड में पकड़ सकती है जो कि इसके साइज और वजन के हिसाब से काफी ठीक है। और ये गाड़ी 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6-8 लोगों को भी ले जा सकती है। ये 4-व्हील ड्राइव है, 4-6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, और फ्रंट एंड बैक में इसमें डबल विशवोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, और साथ ही फ्रंट और रेयर के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स भी हैं, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा ऑफ रोड कैपेबल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक आर्मी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बताने से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो चलो यहाँ पर आर्मी वाली स्पेसिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं, और इस चीज को शुरू करते हैं हम आर्मरिंग से। तो इस गाड़ी के अंदर CENV-7 यानी कि हाईएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हाई वेलोसिटी स्टील मतलब गाड़ियों का गोल गनों का बता रहे थे कि उससे प्रोटेक्शन 7 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी कितने किलो के माइन से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ALSV में देखने में मिलता है कि इसके अंदर स्टैनिंग लेवल 2 आता है, यानी कि ये 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोसिव को झेल सकती है, बाकियों के पास क्या स्कोप से 155 mm के मोर्टार के शेल को भी झेल सकती है। और इसके फ्रंट और रेयर में स्टैनिंग 1 लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि 2 लेवल तक लाइट भी कमी होती है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर 400 किलोग्राम तक का बैटल लोड लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रन फ्लैट टायर मिलते हैं जो 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं बिना हवा के। टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही इसकी हवा भर सकते हैं। इसमें गन हैच दिया गया है, और एडिशनली इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसी चीजों को माउंट करने के लिए जगह। ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा इसमें सर्विस GPS, टेक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, हाई एंड वेरी हाई अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेडियो भी दिए गए हैं। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन समझ गए हैं, और इससे हमें ये समझ में आ गया है कि ये काफी ज्यादा कैपेबल गाड़ी है। अमेजिंग है यार, अमेजिंग। पहले मेरे को तो ये नहीं समझ आया साउथ अफ्रीका से ले रहे थे, मैं तो वही सोच के मैं वही अटक गई, मेरा तो दिमाग वही अटक गया साउथ अफ्रीका। अच्छा, और दूसरा मुझे ये पता करना है कि जो हमने बनाई है और जो मतलब वर्ल्ड में कोई जो बाकियों ने बनाई है जैसे चाइना के पास है या USA के पास है, उनका क्या है, उनकी उनमें क्या क्या चीजें हैं, और वो कंपेयर करना था देखने के लिए हमारे जैसे हॉर्स पावर उनकी कितनी है हमारी कितनी। नॉर्मली
और चीज़ों की हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर फिर भी हमने स्टार्टिंग की है, बनाई तो पहली बनाई है, मच बेटर देन जो रक्षक थी जो जीप के ऊपर बना रखा था उससे तो हजार तो कितनी कचरा लग रही थी, मोटी सी भैंसी सी, तो अभी भी ठीक है, अभी पहले V6 इंजन से जा रहे हैं, आगे जो आएंगी V8 इंजन होगी और हॉर्स पावर 300 से ऊपर तो होगा होगा। तो मेरे ख्याल से अभी स्टार्टिंग है विच इज मच बेटर देन द जीप, और ये होने के बाद ये थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी, थोड़ी ट्रायल करेंगे, इंक्रीज करेंगे और स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो चाहिए होगी उसके बाद एक्सपोर्ट भी होगी। तो देखिए मजे की बात ये है कि अब बननी शुरू हो गई, वरना छोटी मोटी कंट्रीज है साउथ अफ्रीका शैक्रिफा से ले रहे हैं क्या, अब मोदी जी ने वाकई सोचा होगा क्या कर रहे हो तुम, कहाँ कहाँ से माल ले रहे हो यार, ये खुद बना लेने की, अब खुद बन रहा है विच इज वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं तो, और उसके बाद हम बेचेंगे, हम साउथ अफ्रीका को बेचेंगे देखना, बिल्कुल वो हमसे मांगेंगे, हमसे लेंगे, वो कहेंगे हम क्या कबाड़ा बना रहे थे, ये लेना चाहिए हमें। तो चलो यार अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।